आपको किस तरीके से उसका विचार करना चाहिए, कैसे उसके आत्मा की आराधना करना चाहिए, इस पर भी चिंतन करेंगे। और आत्मा के स्वभाव स्वरूप ये जो 10 लक्षण हैं, धर्म के 10 लक्षण हैं, आत्मा के 10 लक्षण हैं, उन पर भी विचार। हमको तो दवाई खानी है, औषधि लेनी है, और दवाई तो कड़वी भी होती, कड़वी होती ना साथ में दवाई, लेकिन क्या करें। वैद्य जी के पास जाओ तो हम अपना रोग बतलाते हैं कि डॉक्टर साहब हमको ये रोग हो गया है, और उस रोग को दूर करने के लिए वो दवाई बतलाते हैं कि आप ये दवाई लोगे तो ये रोग दूर हो, और हम जिद पकड़ कर बैठ जाएं कि हम तो दवाई नहीं, और रोग भी दूर करना है और दवाई भी नहीं, ऐसी जिद पकड़ कर अगर हम बैठ जाएं तो हमको बच्चा ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये काम कौन करता है? बच्चे करते हैं, छोटे छोटे बच्चे करते हैं, उन्हें दवाई पिलाओ तो पीते नहीं है, और माँ जबरदस्ती दवाई पिलाती है, तरह तरह के उनको प्रलोभन देकर पिलाती है। तो वैद्य जी भी ऐसा करते हैं। हमारे श्रीमन भगवान महावीर, कीर्तंकर ऋषभ देव, ये सब वैद्य हैं जो हमको दवाई बतलाते हैं। कौन से रोग को दूर करने की दवाई बतलाते हैं? हमको जो अनादिकाल से भव का रोग लगा हुआ है, इस संसार का रोग लगा हुआ है, उस रोग के उपाय के लिए दवाई बताओ कि किस तरह से हमें इस मनुष्य भाव में, इस मनुष्य पर्याय में किस तरह से धर्म की आराधना करें कि हमारा यह मनुष्य भाव सफल हो जाए, कहीं भी कोई रंच मात्र हम, कहीं ऐसा ना हो कि ये दुर्लभ मनुष्य भाव भी हमारा ऐसे ही चला जाए जैसे दूसरी पर्याय। इसलिए भी हमको गंभीरता से विचार करना। और हम तो सिर्फ एक निमित्त है, आपको जो ये सुना रहे हैं एक निमित्त है कि हमको ये कहने का भाव आ रहा है, और आप भी कोई भव्य जीव हैं जिनको ये सुनने का भाव है। नहीं तो कितने लोग हैं जो उपलब्ध होने के बाद भी सुनने की रुचि नहीं, जानना भी नहीं चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग। अब बताओ कितने सारे लोग होंगे ऋषभ विहार में, कितने लोग होंगे, जनसंख्या कितनी है, कितने लोग होंगे, 100-200 लोग तो होंगे कम से कम, 1200-1300 लोग होंगे आसपास ही रहते होंगे ऋषभ विहार के, बाकी तो 1200-1300 लोग, बाकी 2000 पर। और मैं आपको एक बात गंभीरता से इसलिए बतलाना चाहता हूँ, मैंने ये विषय इसीलिए लिया है, और मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद को संबोधन करने के लिए विषय लिया, क्योंकि पिछले समय जो परिस्थितियां पूरे देश में गुजरी हैं, हमारे धर्म समाज में भी जो परिस्थितियां गुजरी हैं, उसने हमें मजबूर कर दिया है कि आज गए कि कल गए, एक एक क्षण किसी का भरोसे वाला नहीं है। तो हम कब करेंगे, और ये जो महत्वपूर्ण अवसर हमको अभी प्राप्त हुआ है, इसको भी हम मनोरंजन में गवा देंगे। चारों तरफ तो मनोरंजन ही मनोरंजन करते हैं, जिंदगी में करते क्या है आप 24 घंटे। मैं आज आपके लिए शुरू में 10 बिंदु लाया हूं, आज पहले दिन कहना चाहता हूं, ताकि हम 10 दिन उसका अभ्यास, ये चिंतन करना है। आज सुबह ही मैंने विचार किया, और ये बात मैं इसलिए भी आपसे कह रहा हूं कि इन 10 दिनों में इसका मैं भी अभ्यास करने का प्रयास, हमारा भी कोई संसार आपसे भिन्न नहीं, वही है, लेकिन हमको कैसे ना कैसे करके उससे बचना है, उसको कम करना। और ये जो 10 लक्षण का अवसर आया है, इन दिनों में अगर इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप ये? तो इसकी महिमा आनी चाहिए कि ऐसा पर्व उपस्थित हुआ है, और आज अगर इसकी आराधना हम ना करें तो कब करें।
इसका विचार हमको सबको आपको हमको मिल बैठकर विचार करना। मैंने 10 बिंदु तैयार किए जिन पर हमको गहराई से विचार करना है कि 10 लक्षण पर हम क्या करें। और कुछ करते हैं ऐसा नहीं, करते नहीं है, करते ही चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बिंदु ऐसे हैं कि क्या करें। तो पहली चर्चा इस बात पर कि ये जो 10 दिन है इसमें हम ज्यादा से ज्यादा निवृत्ति का अभ्यास। साल भर प्रवृत्ति चलती रहती है और मजबूरी में जानबूझ के शौक से कुछ भी प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति होती रहती है, लेकिन कम से कम ये जो ऐसा वातावरण बना है उसका लाभ उठाते हुए हमें 10 दिन निवृत्ति में जीवन जीना चाहिए। जितनी जिससे जितनी संभव हो सके उतनी निवृत्ति ले लें सांसारिक कार्यों से। सांसारिक कार्यों से मतलब धर्म के कार्यों से भी निवृत्ति लेते लोग, लेकिन किस चीज से? बोले धर्म के कार्यों से निवृत्ति। कई लोग कहते हैं अब हमारा भी त्याग है, हम भी त्याग करते हैं। हम किस चीज का त्याग करते हो? कि हमने त्याग का त्याग कर रखा, कभी कोई चीज का त्याग नहीं करेंगे, ऐसा त्याग ले लिया। अब बताइए त्याग का ही त्याग कर रखा है, धर्म का त्याग कर रखा है, ऐसा त्याग है जीवन में, धर्म का त्याग कर रखा है। नाम सुनना पसंद नहीं है, चर्चा हो जाए तो बुरी लगने लग जाती है, ऐसी मोह की महिमा चलती है अंदर में। अनादि काल से संसार में हम भटकते चले आ रहे हैं और भाई साहब कितने पुण्य संयोग से, दुर्लभ संयोग, माने उस जब बोध ही दुर्लभ भावना का दिन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कितना बड़ा दुर्लभ संयोग है कि हमको ये मनुष्य पर्याय मिल गई है, आंखें मिल गई हैं ठीक ठाक दिखने लायक, बुद्धि मिल गई है कि पढ़ सकते हैं जो लिखा है, आंखों से देख सकते हैं, और इतनी बुद्धि मिल गई है कि उसको समझ सकते हैं, हाथ पांव ठीक ठाक हैं, ले देख जैसे भी है चल रहा है, सब अनुकूलताएं हैं, कोई ऐसी मारा मारी नहीं है। अब इतना संयोग मिलने पर भी अगर इसका उपयोग हम सिर्फ विषय वासनाओं में करते हैं तो आगे हमारे भव क्या होंगे, हमको इस बात पर गंभीरता से विचार करना। तो इन 10 दिनों में हमको साधु हो जाना चाहिए जितना हो सके। भाई कभी तो दीक्षा का भाव आएगा लेकिन उसका अभ्यास कब करेंगे? अरे सांसारिक कार्यों से निवृत्ति लेते 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 धीरे धीरे ऐसा आएगा कि संपूर्ण घर संसार से निवृत्ति का अभ्यास बनेगा। और अभी हम कोई निवृत्ति नहीं लेना चाहते, क्या करें साहब, धंधा व्यापार नौकरी पेशा, इसकी मजबूरी है, हम इन 10 दिनों में भी इसको छोड़ नहीं सकते, समय नहीं निकाल पाते हैं, हमारी मजबूरी है। ये चीज मैं भी सोचता था मजबूरी है, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, वहां तो काम करना ही पड़ेगा, दिन भर वहां लगाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर सोचेंगे अपनी आराधना कब करें, ये तो साल भर करते हैं, नहीं 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 वो ऑफिस तो जाना ही पड़ता है उसके लिए तो कुछ। फिर विचार किया और मैंने विचार नहीं किया, जब ये चर्चा अपने घर में अपनी धर्म पत्नी से कर रहे थे कि हम तो देखो छोड़ ही नहीं सकते, एक बार दुकानदार तो मालिक होता है वो अपनी शटर गिरा सकते हैं, अरे नहीं करना धंधा, अरे हो गया साल भर कमाते हैं बहुत कमाते हैं, इन 10 दिनों में हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा विचार कर ले, तो मालिक है बंद कर दी दुकान, लेकिन जो नौकर है वो क्या करे, जो नौकरी कर रहा है, जो नौकरी है सारे ही नौकर है, जो नौकरी कर रहा है उसके हाथ में तो नहीं है कि ऑफिस बंद कर दे, लेकिन
फिर भी क्या कर सकते हैं। तो हमें तो घर से ही समाधान मिला कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से क्या फायदा, साल में इतनी ही बार ऐसा होता है जब दैनिक दिनचर्याओं से मन उकता जाता है तो कहीं ना कहीं हिल स्टेशन पर जाते हैं छुट्टियां लेकर, जाते हैं कि नहीं जाते, रुपया पैसा खर्च करते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करके आते हैं, कुछ दिन अपने लिए जीवन जी के आते हैं, अपने परिवार के लिए जीवन जी के आते हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। उस समय कहते हैं नहीं नहीं मुझे इतने दिन नहीं कोई कमाई करनी, इतने दिन मुझे नहीं ऑफिस जाना, छुट्टी ले ली, कोई बहाना बना दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन करके भी निकल जाते। इसलिए कि हमें इन चीजों से मुक्ति चाहिए। लेकिन जो हमारे दशलक्षण पर्व आते हैं, जब हमको अपनी आत्मा की आराधना करनी है, तब निवृत्ति लेना कितना कठिन हो जाता है। अरे छोड़ दिया भाई साहब, बंद कर दी दुकान, ऑफिस जाना बंद कर दिया, आप तो निवृत्ति निवृत्ति कर रहे हो, फिर करेंगे क्या, दिन भर क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे, अरे सब छोड़ दिया तो करेंगे क्या, ये प्रश्न खड़ा होगा, क्या करेंगे। अरे एक बार छोड़कर तो देखें, निवृत्ति लेकर तो देखें, क्योंकि हमको अपने लिए जीना है। और मैं कहता हूं एक बार आप खाली रह के देखो, मैं कुछ नहीं करूं, मैं कोई सांसारिक कार्य नहीं करूंगा इन 10 दिनों में। मुझे तो ये प्रेरणा हमारे मुख्यमंत्री जी से मिली। अभी मैंने समाचार पढ़ा, कई बार पढ़ता था कि वो 10 दिनों के लिए किसी विपश्यना शिविर में चले जाते, और विपश्यना शिविर में सारे फोन बंद, मौन रहना पड़ता है। आपको पता है वहां बात भी नहीं कर सकते किसी से, मौन, वहां जो भी ध्यान करना है कुछ भी करना है मौन रहो, वहां जो खाना मिल रहा है अपना सादा भोजन को करो और अपना ध्यान करो, किसी से बातचीत मत करो, खुद से बात, तब समय मिलता है खुद से बात, अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचाने। जब इतना बड़ा मुख्यमंत्री जो सारे कार्यों में फंसा हुआ है, वो निवृत्ति लेकर 10 दिन अपनी विपश्यना में जा सकता है, तो हम तो इतने बड़े व्यस्त नहीं हैं, हम क्यों नहीं ले पाते। इस बात पर गंभीरता से विचार करना है, 10 दिन हम जितना हो सकता है मिनिमाइज कर, और मिनिमाइज करके खुद की आराधना में समय। दूसरा बिंदु है, सिर्फ निवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी, कुछ प्रवृत्ति भी होगी, बिना प्रवृत्ति के मनुष्य रह नहीं सकता। तो सब प्रवृत्ति करेंगे तो धर्म कार्यों की ही करेंगे, और अन्य सांसारिक कार्यों की प्रवृत्ति नहीं। कहीं गमन करेंगे तो भगवान के दर्शन करने के लिए गमन करेंगे, कोई तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने गमन करेंगे, कुछ भी करेंगे, प्रवचन सुनने के लिए जाएंगे, भगवान की पूजन करने के लिए जाएंगे, अभिषेक करने के लिए जाएंगे, लेकिन और किसी सांसारिक कार्यों से कोई मतलब नहीं है। यहां से शुरुआत, धर्म 10 दिन हमको कैसे गुजारने, किस तरह से हमको अपने आप को अपने में समेटने का प्रयास करना है, इस बात पर विचार करना। फिर तीसरा बिंदु, इन 10 दिनों में क्या करना है। पहले दिन इसलिए बता रहा हूं कि 10 दिन तक हमको इसका चिंतन करना, हम अपनी कषायों को मंद रखें, कषाय नहीं सहज रहे, बिल्कुल कषाय नहीं, कोशिश करेंगे जितनी कम से कम कषाय जो भूमिका में है उतनी तो होती है, लेकिन उसको भी मंद करें, अभ्यास बुद्धिपूर्वक अभ्यास करेंगे कि हमें कषाय नहीं करनी, और उसमें भी थोड़ी बहुत छूट कि सब बाहर कषाय कर लो तो कर लो, मंदिर में नहीं करेंगे। इतना तो बाहर कहीं कुछ हो गया कुछ करना तो सब जगह, जब निवृत्ति ले ली सब जगह तो कहीं जाना ही नहीं है, अब कहाँ कसाय करेंगे, अब तो कसाय फिर सारी यहां करेंगे। नहीं,
मंदिर में तो कतई नहीं करेंगे, स्वाध्याय में तो कतई नहीं करेंगे। अगर कुछ छोटी मोटी होती होगी तो इधर उधर हो गई तो हो गई, लेकिन यहां बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी पूरी परंपरा इस बात को कहती है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापं धर्म क्षेत्रे विनश्यति। ठीक है, अन्य क्षेत्रों में पाप कर लिया, हो गया, जाने अनजाने कुछ हो गया, तो धर्म क्षेत्र में आके उसका हम इसको खत्म कर लेते हैं। क्यों? हमने आराधना की, और इसीलिए कि कह रहे वो पाप वाप होते रहते हैं, जाने अनजाने बहुत हो जाते हैं, उन सबका प्रक्षालन हमने कर लिया। भगवान की प्रतिमा का विशेष जो प्रक्षालन करते हैं उसमें भावना क्या भरते हैं? तो जब हम पंक्ति पढ़ते हैं तो भावना क्या भरते हैं? हम तो पाप मल का प्रक्षालन करने के लिए आपका प्रक्षालन, हमारा उद्देश्य क्या है? हम अपने मलों को धोना चाहते हैं, इसलिए हम प्रक्षालन कर रहे हैं, भाव ये रहता है। तो अन्य क्षेत्रे कृतं पापं धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्र में खत्म हो जाते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। भैया ये तो और किसी की चर्चा नहीं है, ये खुद की चर्चा है, हमें तो बच के रहना है। हम धर्म क्षेत्र में कसाय बिल्कुल नहीं करेंगे, इसकी तो प्रतिज्ञा गारंटी से लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए, मान नहीं करेंगे, माया नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, कुछ धर्म क्षेत्र में कुछ कोई कसाय नहीं, हम तो नौकर बन के रहेंगे, मालिक बन के नहीं, नौकर बन के रहेंगे, सेवा करने के लिए आए भगवान मंदिर में, भगवान मैं भक्त हूं, मैं कोई मूछों पे ताव नहीं दूंगा, यहां पर आकर मैं किसी पर क्रोध नहीं करूंगा, सबसे साम्य भाव से बात करूंगा, सहज रहूंगा, ऐसा विचार। कषायों की मंदता का अवसर आया है, कहां आप बताओ कब करें? अभी नहीं करें तो कब करें? और कोई दिन दिख रहा है आपको? और सब दिन धमाधम चलती रहती है, इन 10 दिनों में तो कम से कम इस पर विचार करें कि हम अपनी कषायों को मंद से मंदतर करते हैं। फिर जब प्रवृत्ति करेंगे तो धर्म ध्यान में मन लगाएंगे, धर्म कार्यों में प्रवृत्ति करेंगे तो धर्म कार्यों में भी वो कार्य करेंगे जो हम साल भर नहीं करते। बहुत सारे धर्म कार्य तो हम साल भर अनेक काम करते हैं, मान लीजिए हम साल भर पूजन प्रक्षाल करते हैं लेकिन स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो इन 10 दिनों में हम स्वाध्याय में विशेष मन लगाएं, माने जो काम हमारा छूट गया है, और जो साल भर स्वाध्याय करता है पूजन अभिषेक नहीं करता है वो कम से कम इन 10 दिनों में मैं पूजन अभिषेक भी करूंगा, अकेला स्वाध्याय नहीं करूंगा। तो जो चीजें छूट रही हैं, रूटीन में नहीं है, उनको रूटीन में लाने का प्रयास, क्योंकि हमने एक तो सारे निवृत्ति ले ली सारे संसार, अब कोई बहाना तो रहेंगे सीधा, हम तो चल कुछ हो जाए हम तो बंद रखें और हम अपना काम करें, अपने लिए जिएंगे इन 10 दिनों, भगवान के सामने बैठकर अपनी आलोचना करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, अपने लिए जीवन जिएंगे, ये प्रतिज्ञा करनी, तब हम 10 लक्षण सफल कर सकते। फिर क्या करना? अगर कोई प्रवृत्ति होती भी है तो ऐसे कार्यों से बचेंगे जिसमें ज्यादा पाप हो, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करना था उनसे, तो बिल्कुल कोई मान लो प्रवृत्ति कदाचित मजबूरी में करनी भी पड़ रही है, उनका निवृत्ति नहीं ले पा रहे, लेकिन ऐसे कोई कार्य हो रहे हैं जिनमें ज्यादा पाप हो, उन पापों से भी पुरानी पुरानी कहानियां आती हैं, चाहे गुजरात की हो चाहे बुंदेलखंड की हो, कई जगह इस तरह मैंने कहानियां पहले सुनी है कि जो दूसरे धर्म के लोग होते थे, दूसरी जात के लोग होते थे,
वो भी पाप कार्यों की प्रवृत्ति छोड़ देते थे कि वाणियों के प्रदूषण चल रहे, और समाज के लोग उनके पास जाकर के कुछ सुपारी वगैरह लेकर के जाते थे कि साहब हमारे 10 लक्षण महापर्व आ गए हैं और हम लोग ऐसे अहिंसा की आराधना करते हैं, तो इन दिनों में तो वो लोग छोटे छोटे किसान छोटे छोटे लोग, अरे अरे भैया ठीक आपके पर्व आ रहे हैं हम मारकाट करें, ऐसा वो सहज ही उनको बलात् कुछ कहने की आवश्यकता, माहौल ऐसा था वो सहज ही छोड़ देते थे। आप सोचो जब दूसरे छोड़ देते थे तो हम तो हमारी बात है हमारा धर्म है हम क्यों नहीं छोड़ सकते, तो हमें तो प्रैक्टिस करनी है। आप देखो छोड़ना तो पड़े नहीं छोड़ेंगे तो छूट जाए। अब हमको ये निर्णय करना है कि करना क्या। जैन धर्म निवृत्ति प्रधान धर्म है, प्रवृत्ति प्रधान नहीं है। प्रधानता किस चीज की है? निवृत्ति। भैया या तो खुद छोड़ दो नहीं तो छूट जाए, तो छूट जाए तो उसमें आसक्ति बनी रहती है, लेकिन अपने से छोड़ दिया तो फिर चाहे कुछ भी होता रहे हम उससे कोई मतलब। ऐसी कला हमारा धर्म हमको सिखाता है, दिया ऐसा कुछ हो उससे पहले खुद ही निवृत्ति ले। तो 10 लक्षण पर्व जो हर साल आ जाते हैं और किनी किनी को तो ये आफत जैसे दिखने लग जाते हैं, अरे ये सारा रूटीन बदल जाता है, पूरे घर परिवार में माहौल बदल जाता है, लोग जो है धर्म धर्म की चर्चा करने लग जाते हैं और घर में खाना पीना बंद हो जाता है, अच्छी अच्छी चीजें नहीं बनती हैं, ये क्या कर लो अपने लिए समय निकालो। मैं आपसे कह रहा हूं इसलिए हमें इन 10 दिनों में जितना हो सके मौन का भी अभ्यास करना है, अपनी आत्मा के लिए अपनी आराधना। और जब हम मौन रहते हैं उस समय हम सामायिक कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्रतिक्रमण कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, अपने आप से संवाद कर सकते हैं, अपने अंदर के संगीत को सुन सकते हैं। हमें बाहर के संगीत अच्छे क्यों लगते हैं? एक अंतर संवाद अभी कुछ दिन पहले मैंने लिखा था, उसमें मैंने ये बात कहने की कोशिश की कि जब मैं पूजा करता हूं तो मुझे इस संगीतकारों की जरूरत क्यों पड़ती है, बजाते तभी मेरा मन क्यों लगता है? जब ये भजन धुन बजाते हैं तो उसी समय मेरा मन पूजा में क्यों लगता है? मेरी भगवान के प्रति इतनी दृढ़ आस्था नहीं है क्या? मैं उनकी भक्ति में इतना डूब नहीं सकता क्या? मेरे अंदर का संगीत लुप्त हो गया है, इसलिए हमें उन धुनों में आनंद आता है। कोई जरा सी धुन गड़बड़ कर दे ना तो भक्ति खराब हो जाती है, यानी कि क्या बजा रहा है क्या बोल रहा है, क्यों भक्ति कर रहे हैं भगवान की? तो हम कहीं ना कहीं उस भक्ति के माहौल में भी मनोरंजन हो सकते, मनोरंजन मतलब मन लगना चाहिए, हमारा मन नहीं लगता भक्ति में। और एक बात बोलूं, प्रतिक्रमण करने बैठे तो बोलेंगे, आलोचना करने बैठे बोलूं, मेरा अकेले पूजन करने में मन क्यों नहीं? 10-20 जब साथ में पढ़ते तभी क्यों लगते? सर वो सबके साथ में तो ज्यादा पूजने भी पढ़ ली जाती है, थोड़ा उत्साह बना रहता है, पर अकेले पढ़ो तो कभी नींद आ जाती है, कभी 4 पूजन की जगह 2 ही पढ़ लो ऐसा आ जाता है। तो प्रमाद के कारण, प्रमाद ना आए इसलिए मुझे सामूहिक पूजन इसीलिए होती है। और ये बात भी सही है कि समूह में रहते हैं तो अपनी उतनी नहीं दूसरों की भी चिंता रहती है, मैं बीच में जाऊंगा कोई क्या सोचेगा, बीच में खत्म हो जाएगी तो कोई क्या सोचेगा, 10 तरह की बातें मन में आती हैं और थोड़ा भुलावा जैसा बना रहता है, उत्साह बना रहता है और 8-10 पूजन भी साथ में बैठ कर हो जाए और अकेले बैठ कर पूजन। मुझे मैं आपसे बताऊं जब इस बात पर गहराई से अनुसंधान करें तब हमें पता लगता है हमारी दादी
अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तब मैंने सिद्ध चक्रमंडल विधान कर लिया। न कोई बैनर टंगे, न पोस्टर टंगे, और न कोई हलचल हुई, न संगीतकार आए, और अपने सिद्ध चक्रमंडल विधान कर इतनी सी चौकी में, ये जो चौकी होती ना इतने में ही। तो बोले वो मुझे इसका व्रत किया, उसका उद्यापन करना है, तो मुझे कुछ बर्तन लेने हैं, मंदिर में देने हैं, कैसे कैसे करना है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी अनुष्ठान जिसके लिए हम कितना सिर दर्द लेते हैं, अरे उसकी ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो होगा, ये होगा, वो इतनी सी चौकी में बैठकर सिद्ध चक्रमंडल विधान 8 दिन कर लिया। आप सोचो, मैं आपसे पूछता हूँ, कितना अधिक आत्मा का संगीत बजता होगा कि बाहर के संगीत की आवश्यकता नहीं है, अंदर की आवाज सुनती होंगी, उस भक्ति में डूबती होंगी, पढ़ती होंगी, सिद्धों की यात्रा करती होंगी, सिद्धों के दर्शन करती होंगी, उनके गुणों का गुणगान करती होंगी, कि उनको इन बाहर चीजों की आवश्यकता। जब हमें इन बाहर चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इन आलंबनों की आवश्यकता पड़ती है, उसका कारण है कि हम अभी बहुत कच्चे, अभी पक्के नहीं बने हैं। जब हम सिद्धालय जाएंगे तो वहां तो हमें अकेले ही रहना, वहां तो कोई है ही नहीं, न संगीत बजेगा, न संगीतकार होंगे, कुछ नहीं होगा, ऐसे बैठे रहना है। तो उसकी प्रैक्टिस तो यहीं से करनी पड़ेगी। अगर उतनी देर भी हम एक साथ नहीं बैठ सकते तो हम कैसे आराधना करेंगे, कैसे तपस्या करेंगे। तो ये जो 10 लक्षण महापर्व है वो इनकी प्रैक्टिस के लिए है। इनकी प्रैक्टिस कर ले हम, कितनी देर हम खुद कर सकते हैं, कितनी दिन अकेले रह सकते हैं, कितनी देर हम अकेले अपना चिंतन कर सकते हैं, इसके लिए ये 10 दिन। और एक बार स्वाध्याय करें, अगर हम साल भर स्वाध्याय करते हैं तो इन दिनों में उन विषयों का स्वाध्याय करें जो विषय हम प्राय नहीं पढ़ते। कोई नई चीज सीखें तो लगे इस 10 लक्षण में हमें नई उपलब्धि, हमने कुछ नया प्राप्त किया है। अरे वही वही रूटीन चलता रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं, जो पूजन आपको याद है, ध्यान से सुनना, जो पूजन आप हमेशा पढ़ते हैं और प्राय वही खोलते हैं, तो इसमें स्पीड अच्छी बनती है। जो याद है तो पढ़ना भी नहीं पड़ता है। तो उस जो पूजन याद है, जो चढ़ी हुई है कंठ में, आप देखना प्रैक्टिकल करके, उसमें उतनी एकाग्रता नहीं बनती, तुम कुछ और भी सोचते रहते हो, पूजन भी पढ़ते हो। आपने देखा होगा, अगर उसमें ध्यान लगाएं तो उतनी एकाग्रता नहीं होती, जिसको हम याद है, रटी हुई है, मूंज रही है, कंठ में बसी है, भूलते नहीं। और कोई नई पूजन पढ़ रहे हो तो एक एक लाइन पे ध्यान देते हैं कि भैया कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए आगे, तो उसमें उपयोग ज्यादा केंद्रित करते हैं। इसलिए पूजने बदल बदल कर बढ़िया, उपयोग उसमें केंद्रित रहे, ना कि इधर उधर हमारा मन। तो हम जो रूटीन वर्क करते हैं उससे जब कुछ भिन्न उसी क्षेत्र का काम करते हैं तो उपयोग अधिक निर्मल होता है, अधिक केंद्रित। इसलिए भी वो बात हमको स्वाध्याय के क्षेत्र में भी कुछ नवीन स्वाध्याय करना चाहिए, कोई नया प्रमेय सीखना चाहिए, कोई नई वस्तु का ज्ञान करना चाहिए। फिर इसके साथ व्रत, उपवास, संयम, त्याग, जितना अधिक से अधिक शक्ति के अनुसार हो सके वो भी अभी करने का मौका। इन्हीं 10 दिनों में सारी अनुकूलताएं रहती हैं। आप अगर घर में इन दिनों में उपवास करते हैं और इन दिनों में व्रत पालन करते हैं तो घर वाले भी सहयोग करते हैं। ऐसा 10 लक्षण चल रहे हैं, इनकी व्यवस्था और दिनों में तो पूछेंगे। तो अब तो अभी तो आपको तो फैसिलिटी भी मिल जाएगी, और नहीं कुछ होगा तो समाज व्यवस्था कर देती है। सब इतने लोग उपवास कर रहे हैं, एक आसन कर रहे हैं, चलो अपन कहीं एक जगह शुद्ध भोजन बनवा देते हैं, कर देते, कई जगह जैन रसोई चला देते। तो इन दिनों में तो लोग भी तत्पर रहते हैं सेवा के लिए,
कि आप कोई करें तो सही, तो हम उनकी व्यवस्था करते हैं, दूसरे का सर इनाम भी मिल जाते हैं, इनाम गिफ्ट भी मिल जाते हैं। हाँ तो फिर वो मनोरंजन में चली जाती है ना, वो एक्स्ट्रा है, अलंकार है, वो तो समाज का काम है, वो तो प्रोत्साहित करती है, भाई किसी को उपवास किया अब हम सम्मानित, वो खुद सम्मानित नहीं होना चाहता है, वो अगर इसके लिए उपवास कर रहा है कि मुझे सम्मान प्राप्त होगा तो उसका उपवास का फल थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, डाउन हो सकता है। लेकिन नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो समाज का कर्तव्य है कि वो प्रोत्साहित करती, सम्मानित करती है। और मैं ये हमेशा कहता हूँ, सम्मान न करने वाले का होता है न कराने वाले का होता है, सम्मान होता है जनता का। प्रोत्साहन उसने तो कर ही लिया, प्रति इसको क्या वो प्रोत्साहित करे, है ना, इसको देख के दूसरे प्रोत्साहित हो इसलिए सम्मानित किया है ना। इनने तो 10 दिन को उपवास कर ही लिया, लोग इनको हम माला पहना है नहीं पहना है क्या फर्क पड़ना है, लेकिन हम इनको माला पहना के एक तो अपनी अनुमोदना करते हैं कि ना हम उपवास नहीं कर पाए, लेकिन आपका अभिनंदन करके हम थोड़ा सा हम भी उसमें अनुमोदना कर रहे हैं। दूसरा, जब उनको सम्मानित किया जाता है तो जिनके सामने सम्मानित किया जाता है वो उत्साहित होते हैं, अच्छा इस चीज को इतना महत्व दिया, आप जिस चीज को महत्व देते हैं वही चीज समाज में आगे बढ़ती है, तो हम उसको सम्मानित करते हैं ताकि और लोग भी इस दिशा में आगे प्रोत्साहित हो जाएं। तो इस तरह हमें 10 दिन कुछ ना कुछ संयम ग्रहण भी करना था। क्या मौका मिला है मालूम है, कभी आप ऐसा करके करते ही हैं उसमें एक बार सोच कर देखना, इस चीज हमारी अन्य के प्रति बहुत वासना है, अन्य के प्रति, और वो वासना ऐसी है कि उसके छोड़े बिना दृष्टि स्वभाव सम्मुख नहीं हो पाती। आप एक दिन फुल टॉस उपवास करके देखो, एक रात गुजरते ही अगले दिन आत्मा का अनुभव होने लगता है। क्यों लगता है? शरीर क्या है, क्योंकि वो कुछ हलचल मच गई ना शरीर में भी, वो कंटिन्यू उसको हम पानी खाद पानी देते चले जा रहे थे तो वो भी मस्ती कर रहा था, और जब उसमें उसको आनंद आने लगा हम उसमें आसक्त हो गए, उसमें हमारी पकड़ बन गई, और जैसे जैसे उसमें पकड़ बनती चली गई ना हम उसको छोड़ पा रहे हैं ना हमें छोड़ पा रहा है, एक अजीब सा वो बन गया। तो क्या हुआ, तो वो जब हमने अन्न छोड़ा, किसी चीज का त्याग लिया, तो थोड़े दिन एक आध दिन लगता है क्या हो रहा है, लेकिन जो संकल्प शक्ति होती बहुत बड़ी चीज, जिसने ले लिया हम उसको नहीं करता, भोजन नहीं करें नहीं करता है तो कैसे भी कर, और उसने कहा मुझे ये अन्न की वासना तो तोड़नी तोड़नी है चाहे कुछ, तो जब वो तोड़ देता है अन्न की वासना को तो धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ते बढ़ते तो अपनी आत्मा की आराधना देती, क्योंकि उसका शरीर से संपर्क थोड़ा कम हो रहा है, माने अभी उसने शरीर को पकड़ रखा है, शरीर ने मुझे पकड़ रखा है ऐसा हो ना तो चल जाए, शरीर को पकड़, मेरी पकड़ नहीं होनी चाहिए, मैंने नहीं पकड़ रखा है, ये तो मजबूरी है कि आत्मा बिना शरीर के रहती नहीं है, और जिस पर्याय में जाएगी उसका शरीर धारण करेगी, लेकिन वो आत्मा उस शरीर में आसक्त नहीं बनेगी, धारण कर लेगी लेकिन उसमें आसक्त नहीं बनेगी, मैं तुम्हारे लिए मजबूर नहीं हूं ऐसा विचार करेगी, तब उसका वो बंधन टूटता है। आपको एक उदाहरण दूं, आप दो तरह का नारियल होता है, एक सूखा नारियल और एक गीला नारियल जिसमें पानी होता है, इन दोनों को फोड़ो तो जो सूखा नारियल होता है उसके अंदर वाला टूटता नहीं, तो जो करते हो निकला क्योंकि शरीर टूटा आत्मा बच्ची, और ये जो पानी वाला चिपका हुआ होता है उसको आप खूब फोड़ो तो ऐसा चिपका रहता है कि चाकू से निकाल निकाल के भी निकालो तो निकलता नहीं, क्योंकि बंधन है बना हुआ है, और वो जो सूख जाता है उसने छोड़ दिया, है शरीर में ही है, वो सूखा नारियल भी कहाँ है, वो उसी खोखे के अंदर है,
लेकिन टूटता है तो उसको दर्द नहीं होता है। क्यों? वो तो पहले ही जुदा हो गया, उसने उससे संपर्क तोड़ दिया। तो आप देखना, तो हम जन विधान में भी ये गोला चलाते हैं ना, ये निकालने में ज़्यादा कष्ट नहीं होता है क्योंकि सूखा अंदर से ऐसे तोड़ के पूरा निकाल आता है, त्वचा उसकी हट जाती है और जो स्वच्छ गोला है वो सामने आ जाता है। लेकिन आप गीले नारियल को स्वच्छ निकालना पड़ा करते हैं, वो पूरा सेंगा निकल आए वो बड़ा दुर्लभ होता है। कोई विशेष ही कलाकार होते हैं वो निकाल लेते हैं पूरा का पूरा, नहीं तो टूटता ही टूटता है वो भी सा। तो यही पकड़ जितनी हमारी शरीर के प्रति होगी उतना हम टूटेंगे, और जितनी शरीर से पकड़ छूटेगी उतना हम अपने आप में साबुत बचे रहेंगे, हम टूटेंगे नहीं। और ये है अन्य के प्रति जो वासना टूटनी है उसके लिए। और एक लास्ट पॉइंट कि निरंतर वीतरागी भगवान के गुणों की आराधना करते हैं। इन 10 दिनों में क्या करना है? निरंतर वीतरागी भगवान के गुणों की आराधना करते रहें और उनकी भक्ति में डूबे। एक आपको मालूम है, आपने कहीं देखा होगा लोगों को कि हाथ में ऐसे माला जपते हैं और एक थैला सा लटका है, शायद देखा आपने कभी। मैं तो ट्रेन वेन में किसी को देखता हूँ ऐसे ऐसे करते रहते हैं और लगाए रहते हैं। मैंने तो पूछा भी ये क्या है? अच्छा वो सब काम करते हैं और वो चलता रहता है, ये भी ले रहा है, वो सामान उठा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, तो वो भी चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये कैसी है? तो वो एक से पूछा तो उसने बड़ी गजब की बात की, बोले ये अजपा जब, ये कभी रुकता नहीं है, हम चाहे कुछ भी करते रहें। तो मैंने तो सोचते हो तब क्या करते हो, मतलब नींद में चले गए तब, तो बोली जब तक चलता रहता है, नहीं तो अंदर चलता है, हाथ जब तक चलता रहता है, नहीं तो अंदर चलता है। सुनिए तो ये तो गजब की बात बता, अजबा जब। तो इन 10 दिनों में एक अजबा जब भी हम लोग करते, अरे चाहे कुछ करते रहो, चाहे दुकान चले जाओ, मकान चले जाओ, नौकरी चले जाओ, खाना खाओ, चलो किसी से बातचीत करो, सब काम निपटाओ, लेकिन अंदर में एक धारा बीत रहा भगवान के प्रति निरंतर चल, वो नहीं टूटनी। कोशिश करें निरंतर चिंतन में चलता रहना चाहिए, सब काम हो रहे हैं लेकिन वो भी भगवान की आराधना, उनके गुणों का स्तवन, कैसा स्वरूप है उनका, वो बीत रहा कि कैसे बने, उनके अंदर गुण कैसे आए, वो गुण मेरे अंदर कब आएंगे। अरे भगवान की भक्ति, ऐसी भक्ति भी करके कभी, अकेला ढोल मंजीरा पीटने से भक्ति नहीं होती है, अरे अंदर में जो उल्लास आता है ना भगवान के प्रति समर्पण, ऐसा अजपा जप चलता रहे तब 10 लक्षण सार्थक। ऐसे अजपा जप को भी करते रहना है, हम कुछ भी करते रहेंगे लेकिन अंदर में तो सिर्फ मंदिर जाएंगे तभी भक्ति नहीं करेंगे, उस समय तो जो करेंगे करेंगे लेकिन अन्य समय में भी हमारी भक्ति तो चलती रहेगी, भक्ति में कमी नहीं आएगी, चाहे कोई काम चलते रहे चाहे नहीं चलते। आज का दिन 10 लक्षण महापर्व का पहला दिन है और पिछले 1 महीने से लगभग मैं इस पर काफ़ी अनुसंधान कर रहा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारी आत्मा हिलनी चाहिए, ऐसे आके चले जाए क्या फर्क पड़ा, कुछ तो चेंज आना चाहिए। और अगर कुछ भी चेंज नहीं आता है तो बहुत विचारणीय विषय है, हम किस चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, हम क्यों चाहते हैं कि हमें शाश्वत सुख मिले, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जब हम अपनी आत्मा का संगीत सुनने लग जाएं तब आप समझना कि आप सफल हो गए। जब आपको मंदिर की भक्ति के साथ साथ अन्य समय में भी भक्ति का आनंद आने लग जाए तो समझना हम सफल हो गए, क्योंकि वहां कोई निमित्त नहीं है, वहां तो निमित्त और उनके विपरीत है, लेकिन भक्ति हमारी निरंतर चल रही, उस समय समझना हमारी भक्ति चल रही है। ऐसा आनंद हमको इस 10 लक्षण में